गाइस पोकेमॉन वर्ल्ड में कुछ ऐसे भी पोकेमॉन है जो ऐसे अटैक इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं जो कि वो लर्न कर सकते हैं। मतलब कि गाइस वो अटैक वो लर्न कर सकते हैं लेकिन फिर भी वो अटैक उन्हें नहीं आता। गाइस एग्जांपल के तौर पे आप टिम्बुर को ले सकते हो। गाइस आप सभी को पता होगा कि टिम्बुर के हाथ में एक वुड होता है लेकिन गाइस वुड होने के बावजूद भी वो वुड हैमर अटैक इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो गाइस टिम्बुर की तरह हम 10 ऐसे पोकेमॉन के बारे में बात करने वाले हैं जो ऐसे अटैक इस्तेमाल नहीं कर पाते जो कि उन्हें लर्न करना चाहिए। तो हाँ गाइस वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह की पोकेमॉन के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। और बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नंबर 1 जेंगुस। गाइस जेंगुस पोकेमॉन को तो आप सभी काफी अच्छी तरह से जानते होंगे। गाइस जेंगुस होनीजन का पोकेमॉन है। गाइस आप सभी को पता है कि जेंगुस के क्लॉस कितने बड़े बड़े हैं लेकिन फिर भी गाइस इतने बड़े बड़े क्लॉस होने के बावजूद भी वो कट अटैक इस्तेमाल नहीं कर सकता जो कि सच में कोई सेंस नहीं बनाता क्योंकि इतने बड़े बड़े उसके क्लॉस है लेकिन फिर भी वो कट अटैक इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो हाँ गाइस इस अटैक को तो जेंगुस को आना चाहिए था लेकिन फिर भी गाइस एनीमे के अंदर हमें ये दिखाया गया है कि जेंगुस कभी भी कट अटैक इस्तेमाल नहीं कर सकता। नंबर 2 सोलड्रॉक और लूनेटॉन। गाइस ये दोनों पोकेमॉन होरिजन के पोकेमॉन है और ये दोनों ही पोकेमॉन सन और मून पे बेस है लेकिन गाइस सोलड्रॉक कभी मॉर्निंग सन अटैक इस्तेमाल नहीं कर सकता और वहीं पर लूनेटॉन मून लाइट अटैक इस्तेमाल नहीं कर सकता। गाइस ये दोनों ही मूव दोनों पोकेमॉन को आने चाहिए थे क्योंकि मॉर्निंग सन और मून लाइट ये दोनों ही मूव सन और मून पे बेस है इसीलिए दोनों मूव सोलड्रॉक और लूनेटॉन को आना चाहिए था लेकिन गाइस ये दोनों ही पोकेमॉन ये मूव इस्तेमाल नहीं कर सकते। नंबर 3 गाबाइट। गाइस गाबाइट पोकेमॉन को तो आप सभी काफी अच्छी तरह से जानते होंगे। गाइस गाबाइट सिनोरिजन का पोकेमॉन है और ये एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है। गाइस गाबाइट बाइट अटैक इस्तेमाल नहीं कर सकता। गाइस गाबाइट के तो नाम में भी बाइट अटैक आता है लेकिन फिर भी इसे बाइट अटैक नहीं आता। गाइस मेरे ख्याल से इसे बाइट अटैक आना चाहिए था क्योंकि गाइस इसके बड़े बड़े दांत हैं जो बहुत ही ज्यादा धार हैं लेकिन फिर भी ये बाइट अटैक इस्तेमाल नहीं कर सकता। नंबर 4 गैसली। गाइस गैसली कांटो रीजन का पोकेमॉन है और ये पोकेमॉन आगे चल के गेंगर पोकेमॉन में इवॉल्व होता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। गाइस गैसली पोकेमॉन एक ऐसा अटैक इस्तेमाल नहीं कर सकता जो कि इसे इस्तेमाल करना चाहिए और वो अटैक है पॉइजन गैस। गाइस हम सभी जानते हैं कि गैसली डुअल टाइप पोकेमॉन है घोस्ट और पॉइजन। गाइस पॉइजन होने के बावजूद भी ये पॉइजन गैस अटैक इस्तेमाल नहीं कर सकता और यहाँ तक कि गाइस गैसली के आजू बाजू में जो गैस होती है वो पॉइजन गैस ही है लेकिन फिर भी गाइस वो पॉइजन गैस अटैक इस्तेमाल नहीं कर सकता। गाइस जो मूव इसे आना चाहिए वो मूव ये कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता और वहीं पर गाइस जो मूव इसे नहीं आना चाहिए वो मूव काफी अच्छे से इस्तेमाल कर लेता है जैसे कि फायर पंच। गाइस गैसली के हाथ नहीं लेकिन फिर भी ये फायर पंच अटैक इस्तेमाल कर लेता है लेकिन फिर भी गाइस इसे पॉइजन गैस अटैक आना चाहिए था। नंबर 5 गार्चम्प। गाइस गार्चम्प पोकेमॉन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है ये हम बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि ये सिंथिया का मेन पोकेमॉन है और सिंथिया सिनोरिजन की चैंपियन भी रह चुकी है। एनिमे के अंदर हमने कई बार देखा है गार्चम्प को उड़ते हुए यहाँ तक कि अलोला रीजन में हमने देखा था कि एश इसके ऊपर बैठ कर उड़ रहा था। तो हाँ इसमें कोई शक नहीं है कि ये पोकेमॉन उड़ सकता है लेकिन फिर भी गाइस गार्चम्प को फ्लाई अटैक नहीं आता जो कि कोई सेंस नहीं बनाता क्योंकि गाइस हमने गार्चम्प को कई बार देखा है एनिमे के अंदर उड़ते हुए और यहाँ तक कि गाइस इसके ऊपर एश बैठ के उड़ रहा था तो इसे फ्लाई अटैक तो आना चाहिए था लेकिन फिर भी गाइस इसे फ्लाई अटैक नहीं आता। नंबर 6 पीजी और उसके इवोल्यूशन। गाइस हम सभी जानते हैं कि पीजी पीजियोटो और पीजियोट ये तीनों ही पोकेमॉन फ्लाइंग टाइप के पोकेमॉन है लेकिन फिर भी गाइस फ्लाइंग टाइप होने के बावजूद भी इन्हें फ्लाइंग टाइप के मूव नहीं आते जैसे कि पैक। गाइस पैक एक फ्लाइंग टाइप का मूव है और नॉर्मली इसे कोई भी फ्लाइंग टाइप का पोकेमॉन इस्तेमाल कर लेता है लेकिन फिर भी गाइस इतने आसान मूव को पीजी पिजियोटो और पिजियोट लर्न नहीं कर सकते। नंबर 7 रैपिडैश। गाइस रैपिडैश पोकेमॉन कांटो रीजन का पोकेमॉन है और गाइस ये पोकेमॉन कितना ज्यादा तेज दौड़ता है ये हम सब काफी अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि गाइस इसने डॉट रियो जैसे पोकेमॉन को भी हराया रेस में लेकिन फिर भी गाइस इतना तेज दौड़ने के बावजूद भी इसे एक्सट्रीम स्पीड अटैक नहीं आता। गाइस इसे एक्सट्रीम स्पीड अटैक क्यों नहीं आता ये तो मुझे नहीं पता लेकिन गाइस इसे एक्सट्रीम स्पीड अटैक आना चाहिए था क्योंकि गाइस ये पोकेमॉन बहुत ही ज्यादा तेज दौड़ता है। एक्सट्रीम स्पीड को वही पोकेमॉन इस्तेमाल कर सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा तेज दौड़ते हैं यहाँ तक कि इसे आर्कनाइन भी यूज कर सकता है लेकिन गाइस आर्कनाइन रैपिडैश जितना तेज नहीं है। तो हाँ गाइस रैपिडैश को एक्सट्रीम स्पीड अटैक आना चाहिए था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा तेज दौड़ता है लेकिन फिर भी उसे नहीं आता। नंबर 8 क्यूरेम। गाइस क्यूरेम एक लेजेंडरी पोकेमॉन है और यूनिवर्सियन में सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। गाइस क्यूरेम आइस और ड्रैगन टाइप का पोकेमॉन है लेकिन फिर भी गाइस आइस टाइप होने के बावजूद भी इसे आइस पंच अटैक नहीं आता। गाइस अब ये मत कहना कि उसके हाथ बहुत छोटे हैं इसीलिए वो आइस पंच अटैक इस्तेमाल नहीं कर पाता क्योंकि गैसली के पास तो हाथ ही नहीं है लेकिन फिर भी वो फायर पंच अटैक इस्तेमाल कर लेता है और क्यूरेम के पास तो हाथ है लेकिन फिर भी ये आइस पंच अटैक इस्तेमाल नहीं कर पाता। गाइस मैं मान लेता हूँ कि इसके हाथ बहुत छोटे हैं इसीलिए इस्तेमाल नहीं कर पाता लेकिन गाइस ब्लैक क्यूरेम के तो हाथ बड़े बड़े हैं लेकिन फिर भी ये आइस पंच अटैक इस्तेमाल नहीं कर पाता। नंबर 9 पिंसर। गाइस पिंसर बग टाइप का पोकेमॉन है कांटो रीजन से
और गैस पिंटर एक ऐसा टैक्स इस्तेमाल नहीं कर पाता जो कि इसे आना चाहिए और वो है मेगा हॉर्न। गैस मेगा हॉर्न एक बग टाइप का मूव है और पिंसर भी बग टाइप का पोकेमॉन है और मेगा हॉर्न को यूज करने के लिए पोकेमॉन के पास हॉर्न होना चाहिए और वहीं पर पिंसर के पास हॉर्न है, लेकिन फिर भी गैस पिंसर मेगा हॉर्न अटैक इस्तेमाल नहीं कर पाता जबकि वो सिर्फ बग टाइप का पोकेमॉन है और उसके पास हॉर्न भी है, लेकिन फिर भी गैस वो बग टाइप का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मूव मेगा हॉर्न इस्तेमाल नहीं कर सकता। और वहीं पर गैस हेराक्रॉस को ये अटैक आता है और पिंसर को नहीं आता। नंबर 10 रेक्वेजा। रेक्वेजा एक ड्रैगन ऑफ लाइट टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन है जनरेशन 3 से और ये पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर पोकेमॉन है और इस पोकेमॉन को तो आप सब बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे कि इस पोकेमॉन की ताकत बहुत ही ज़्यादा है। गैस रेक्वेजा एक ऐसा अटैक इस्तेमाल नहीं कर पाता जो कि इसे आना चाहिए और वो है स्काई अटैक। गैस स्काई अटैक फ्लाइंग टाइप का मूव है और रेक्वेजा भी फ्लाइंग टाइप का पोकेमॉन है, लेकिन फिर भी गैस उसे फ्लाइंग टाइप का ये मूव नहीं आता। और वहीं पर गैस रेक्वेजा को सबसे स्ट्रॉन्ग मूव आता है फ्लाइंग टाइप का जो कि है ड्रैगन असेंट, लेकिन स्काई अटैक भी आना चाहिए था क्योंकि ये मूव भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव है, तो इसीलिए गैस रेक्वेजा भी इस लिस्ट के अंदर अपनी जगह बनाता है। गैस एडवांस में एक और पोकेमॉन ले लो ग्राउलेट को। गैस ग्राउलेट को ग्राउल अटैक नहीं आता जबकि इसके नाम में भी ग्राउल आता है, लेकिन फिर भी इसे ग्राउल अटैक नहीं आता। तो चलिए गैस आज के लिए सिर्फ इतना ही। गैस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह की पोकेमॉन्स की अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए और बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो ठीक है गैस, मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में।